विंच ने कॉम्प्लीमेंट्री नीड थ्योरी को बताया है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो दो प्रकार से बतलाया उन्होंने। पहला था टाइप वन कॉम्प्लीमेंट्री नीड, देख रहे होंगे आप लोग, टाइप वन कॉम्प्लीमेंट्री नीड है ना। दूसरा हमारा है टाइप टू कॉम्प्लीमेंट्री नीड, ठीक है। अब है कि टाइप वन कॉम्प्लीमेंट्री नीड का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये सब एक साथ नोट्स कर देंगे ना बेटा, तो तुम लोग को एक बार ब्रीफ कर देंगे शुरू से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस जहाँ जो समझा रहे हैं वो समझते जाना, उसको हम एक साथ करके ना एक बार फिर से, तुम लोग को लगेगा कंफ्यूजन तो हम स्टार्टिंग से ब्रीफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइप वन कॉम्प्लीमेंट्री नीड का अर्थ ये होता है कि जो आवश्यकता एक व्यक्ति अर्थात ए में अधिक होता है ना, ए में अधिक होता है, जो आवश्यकता, पता नहीं आज क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। टाइप वन कॉम्प्लीमेंट्री नीड का अर्थ ये होता है कि जो आवश्यकता एक व्यक्ति ए में अधिक होता है वही आवश्यकता दूसरे व्यक्ति बी में कम होता है, तो ए और बी के बीच आकर्षण होगा। इसको समझ सुन लो, बस हम समझाएंगे फिर। जैसे एक व्यक्ति जिसमें दूसरों पे नीड टू डोमिनेंस अधिक होता है और दूसरे व्यक्ति में ऐसी आवश्यकता कम होती है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अब कह रहा है इसको समझ लो कि कह रहा है कि एक व्यक्ति में कुल आवश्यकता जो है वो अधिक होता है। सपोज करो कि एक व्यक्ति है, उसको पैसे की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उसको पैसे की आवश्यकता, सपोज करो कि दो दोस्त है, ठीक है। दो दोस्त में एक दोस्त है जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और दूसरा दोस्त है उसके पास पैसे की कमी है, ठीक है। तो एक के पास, जिसके पास पैसा बहुत है उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन दूसरा दोस्त जो है जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो पैसे की आवश्यकता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त है जिसके पास पैसा कम है वो मेहनती बहुत है, वो फिजिकली बहुत मेहनती है, बहुत काम वाम करने वाला है। और जो पहला दोस्त है उसके पास पैसा तो बहुत रहता है लेकिन उसके पास वो मेहनती नहीं है, ठीक है, वो काम वाम बहुत करने वाला आदमी नहीं है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सपोज करो कि ए जो है, एक आदमी है जिसका नाम ए है, ठीक है, उसके पास किस चीज की अधिकता है। यहाँ पे डोमिनेंस की बात बोल रहा है लेकिन हम तुमको इजी तरह से समझने के लिए हम पैसे पे रख के बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंस वाला तुम लोग प्रैक्टिकली बहुत ऐसा नहीं देखे हो। जो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में अधिबल थी, निधि थी, सुप्रिया नहीं थी, क्योंकि एक आदमी जो किसी पे लीडरशिप की क्वालिटी होती है और जो एक होता है सबऑर्डिनेट करने की नेचर होता है, तो वो वाला एक एग्जाम्पल बताया थे, सेम वही यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। लेकिन इसको और एक इजी वे में समझने के लिए हम इस तरह से आपको बता रहे हैं कि सपोज करो कि ए जो है उसके पास पैसे की बहुत अधिकता है लेकिन वो फिजिकली बहुत मेहनती नहीं है, और जो बी है, बी के पास पैसे की कमी है लेकिन वो फिजिकली बहुत मेहनती है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ए को पैसे की आवश्यकता की जरूरत नहीं होगी, पैसा बहुत उसके लिए महत्व नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है। बी जो है, बी के पास पैसे की महत्व होगी क्योंकि बी पैसा नहीं है उसके पास कम पैसा है ना। तो ए जो है वो कहेगा कि यार देख मेरा ये सब काम कर दे, क्योंकि वो तो मेहनती है बी, वो तो जाएगा बोलेगा कि ठीक है तुम यहाँ यहाँ पैसा जमा कर देना, वो सब्जी खरीद के ले आना, वो सामान मेरा परचेस कर देना, ठीक है। तो बी बी तो फिजिकली फिट है, वो तो बोलेगा कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जो ए है, ए बोलेगा कि भाई तुम काम कर दो, और बी बोलेगा कि भाई हमको देखो ना 20,000 रुपये की जरूरत है, तो ए बोलेगा ठीक है हम पैसा तुमको दे देंगे,
है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, जब आप ऐसा आवाज जा रही है मेरी, तो अब यहाँ यस पे मैम। अब क्या होगा यहाँ पे कि ए जो है, ए को किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है, तो ए का पैसा जो है वो बी के लिए पूरक हो गया, पूरक हो गया ना, क्योंकि बी को पैसे की दिक्कत है, तो ए उसको पैसा दे देगा तो बी को उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, और जो ए है उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके पास टाइम कम है, समय का अभाव है, और बी के पास समय ही समय है। तो ए क्या बोलेगा बी को, ए बोलेगा बी को कि ऐसा करो कि ये सामान परचेस करना है, यहाँ बिल पे करना है बिजली का, क्योंकि मेरे ए के पास तो समय नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो बी क्या करेगा कि उसका बिल पे कर देगा, सामान ले आएगा, और एवज में ए उसको पैसा दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी में, यहाँ पे जो आप पढ़ोगे कि Type 1 नीड का अर्थ यह होता है कि जो आवश्यकता एक व्यक्ति अर्थात ए